अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान को सिर्फ मोहलत नहीं दी, शैतान ने कहा था ना अंजिरनी इला यौमि बासून, कयामत तक मोहलत दे दे तेरे सारे बंदों को गुमराह करो। मोहलत के साथ साथ उसको हथियार भी अता किए हैं इंसानों को गुमराह करने के। पांच अहम हथियार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान को अता किए। पहली चीज, शैतान हमको तो देख सकता है लेकिन हम शैतान को नहीं देख सकते। इन्नहु यराकुम हुवा वकबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, अल्लाह ने फरमाया कि शैतान और उसका कबीला तो तुम्हें देखता है लेकिन तुम उनको नहीं देख सकते। तो ये सबसे अहम हथियार जो अल्लाह ने शैतान को दिया कि वो तो हमको देख रहा है लेकिन हम उसे नहीं देख पा रहे, ये पहले हथियार। दूसरा हथियार, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान को इस बात की भी ताकत और कुव्वत अता की कि वो हमारे जिस्म में भी दाखिल हो सकता, दूसरा अहम हथियार। तीसरा हथियार, शैतान को अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है कि वो बुरे कामों को मुजय्यन करके खूबसूरत बना करके हमारे सामने पेश कर सकता, इंतहाई बुरे काम को अच्छा बना करके हमारे सामने पेश करने की सलाहियत शैतान को अल्लाह ने दी। तीसरा हथियार। चौथा हथियार, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे इतनी ताकत दी है कि वो चंद मिनट में एक जगह से दूसरे जगह पहुंच सकता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वाकिया याद कीजिए, फरमाया कौन तख्त को लाएगा, मलकए सबा का तख्त कौन उठा करके लाएगा। एक ने कहा कि आप इस जगह से खड़े नहीं होंगे, यहां से उठेंगे नहीं, उससे पहले ला करके दे दूंगा। लेकिन एक दूसरे ने कहा जिसके पास ने कहा पलक झपकने से पहले वो तख्त मिला करके यहां पर पेश कर दूंगा। कितनी ताकत अल्लाह ने, पता नहीं कितने किलोमीटर की दूरी पर, हजारों मील दूर वो तख्त, और कहा कि पलक झपकेगा नहीं आपका, उससे पहले वो तख्त मिला करके आपके सामने रख दूंगा। ये ताकत और ये कुव्वत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतानों को अता की। तो जहां वो हमारे जिस्म में दाखिल हो सकता है, जहां वो बुरे अमलों को मुजय्यन करके हमारे सामने पेश कर सकता है, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इंतहाई मजबूत बनाया, इंतहाई ताकतवर बनाया। अरे पांचवा हथियार जो इंतहाई अहम हथियार है, जो हमेशा शैतान हमारे साथ रहता, एक शैतान तो हमेशा हमारे साथ मौजूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लगा दिया गुमराह करने के लिए, उसको असलहे और हथियार दिए। हदीस पहले देखते हैं, वान अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد اكل به قرينه من الجن قالوا واياك يا رسول الله قال واياي الا ان الله قد اعانني عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير وفي روايه اكل قرينه من الجن وقرينه من الملائكه رواه مسلم في كتاب صفه القيامه والجنه والنار। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई आदमी नहीं है मगर उसके साथ अल्लाह ने एक शैतान लगा दिया, और वो शैतान किस तरह से, करीन, लफ्ज़े करीन, ऐसा साथी, करीन किसको कहते, ऐसे साथी को जो उसके साथ चिमटा रहे, कभी उससे जुदा ना हो, अलग ना हो। इल्ला वक़द उक्तिला बिही क़रीनुहु मिनल जिन्न, बहैसियत करीन उसके साथ एक शैतान लगा दिया गया है जो उसके साथ हमेशा रहता है। सहाबे किराम ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी रहता, कहा हां, बोलिया मेरे साथ भी रहता लेकिन मेरे और तुम्हारे में फर्क क्या है। इल्ला अन अल्लाह कद आनानी अलैह, अल्लाह ने मेरी मदद की है, वो इस्लाम ले आया है। और दूसरी रिवायत में कि फअस्लमा, जिन लोगों ने पढ़ा तो ये तर्जुमा किया कि वो इस्लाम ले आया, और जिन्होंने कहा फअस्लम तो कहा कि मुझे अल्लाह ने उससे महफूज कर दिया, बचा दिया। लेकिन बहरहाल एक शैतान मेरे साथ भी, और दूसरी रिवायत में आता है कि एक शैतान, शैतान में से एक आदमी और फरिश्तों में से एक हर इंसान के साथ मौजूद। करीनुहु मिनल जिन्न व करीनुहु मिनल मलाइका, हर आदमी को एक शैतान और एक फरिश्ते के साथ लगा दिया गया, या हर आदमी के साथ एक शैतान और एक फरिश्ता हमेशा मौजूद है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान को बहैसियत करीन, बहैसियत साथी हमारे साथ लगा दिया गुमराह करने के लिए, हमको बहकाने के लिए। लेकिन यहां पर यह बात भी याद रहे कि जहां पर अल्लाह ने शैतान को इतनी ताकत दी है, वहीं इंसानों को भी उससे बचने की ताकत अदा की। ऐसा नहीं कि सिर्फ शैतान को ताकत दे दी कि जाकर के मेरे बंदों को गुमराह कर, बल्कि बंदों को भी ताकत अदा की है कि वो शैतान से कैसे बचे।
शैतान लगाया तो शैतान के साथ साथ एक फरिश्ता भी लगाया। शैतान गुमराही में ले जाता है, फरिश्ता नेकियों की तरफ रास्ता दिखाता। शैतान बहकाता है, फरिश्ता अच्छाई की तरफ उसकी रहनुमाई करता है। अब इंसान के ऊपर है, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, चाहे शुक्रगुजारी करे चाहे नाशुक्री करे, चाहे अच्छे रास्ते पर चले या बुरे रास्ते पर चले, अब फैसला इंसान के ऊपर। और ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार दुआएं हमको सिखलाई हैं शैतान से बचने के लिए। उन दुआओं का इहतमाम हमको शैतान से बचाए।